तो अभी हम लोग निकलते हैं अपना किरंदुल के लिए। तो ये है कोरापुट का सिटी, ये शायद सिनेमा हॉल है। अभी वापस जाते टाइम बहुत ही अच्छा अच्छा व्यू आने वाला है, मज़ा आ जाएगा आपको। तो अभी हम लोग रास्ते में कोरापुट में कोई सा अच्छा सा ढाबा देखेंगे, जो यहाँ का फेमस ढाबा होगा, वहाँ पे रुक के खाना खाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। अब ये पूरा पहाड़ को क्रॉस करके अपन को उस पार जाना पड़ेगा जयपुर की तरफ, और जो अभी घाटी आता है बहुत ही घना जंगल है और बहुत ही सुंदर लगता है। अब बरसात और साथ में और भी हरा भरा लगता है। तो वीडियो में बने रहो, आपको पूरा दिखाता हूँ यहाँ का रोड कैसा है जगदलपुर किरंदुल तक। होगा तो जगदलपुर तक का बनाऊंगा पूरा ब्लॉग, किरंदुल का तो हर वीडियो में देख ही लिए होंगे। यहाँ पे अगर कभी देवमाली घूमने आता है, फिर कोरापुट घूमने आते हो, तो बहुत सारा लॉज है और अच्छा अच्छा लॉज है आपको मिलेगा यहाँ पे, रिजॉर्ट लॉज जो भी है यहाँ पे अच्छा खासा मिलेगा। प्राइस भी सही रहता है, सस्ता सस्ता, और अच्छे प्राइस में आपको अच्छा लॉज वॉज मिल जाएगा। तो आने से इधर ही रुकना, कोरापुट में सिमलीगुड़ा जाने का मत सोचना, थोड़ी सी दूर पड़ता है, बट यहाँ बेस्ट है कोरापुट में, खाना ढाबा वाबा सब चीज़। हम लोग को तो खूब मज़ा आया देवमाली राइड में, आप लोग भी आओ। अब थोड़ा सा हालत टाइट हो गया है, तो अभी घर की तरफ चलते हैं। गाइस अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट पे आए हैं कोरापुट कई, चलो यहाँ का देखते हैं रेस्टोरेंट कैसा रहता है, और यहीं पे खाना वाना खा के सीधा निकलते हैं जगदलपुर के लिए। अच्छा है रेस्टोरेंट का भी व्यू, पीछे पूरा पहाड़ है और ये सामने रेस्टोरेंट है, देखते हैं कैसा बनाते हैं। अच्छा रेस्टोरेंट। तो गाइज अभी हम लोग खा लिए वहाँ से खाना, अब निकल रहे हैं डायरेक्ट जगदलपुर के लिए। उसके बीच में जो व्यू आएगा वो आप लोग को दिखाता हूँ। तो गाइज अभी घाटी स्टार्ट हो गया है कोरापुट का, ये देखो कितना घना जंगल है, इतना कर्विंग रोड है ना, और गाड़ी वाड़ी जो बड़ा बड़ा गाड़ी है बहुत ही स्पीड चलता है यहाँ पे। ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि रात को नहीं बना पाया था, अंधेरा था बहुत ज़्यादा और बैटरी भी नहीं था कैमरे में, तो अपन ये नहीं दिखा पाए। तो अभी वापस आते टाइम आप लोग को यहाँ का भी रूट का पूरा दिखा दे रहा हूँ व्यू। अभी आगे और अच्छा है व्यू, ये घाट के नीचे, मतलब ये हम लोग पहाड़ के ऊपर हैं, नीचे है पूरा जयपुर सिटी, जयपुर जोधपुर, जोधपुर सिटी। यहाँ से व्यू बहुत ही अमेजिंग आता है यार, ये पूरा अपना छत्तीसगढ़ का केसकाल का घाट याद दिला देता है मेरे को। ये देखो ट्रक को कितना मुड़ने में मशक्कत करना पड़ रहा है। ये देखो ट्रक कैसे मुड़ रहा है बहुत दूर से। यहां से व्यू चेक करो, बहुत ही शानदार लग रहा है। ये सब घाट में ना ट्रक की वजह से बहुत जाम हो जाता है, बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक। बहुत ही गंदा रोड यार, बहुत ज्यादा ही गंदा। शायद ब्रिज बन रहा है इस वजह से अभी गंदा है ये रोड। तो अभी अपन लोग घाट को क्रॉस कर चुके हैं और अभी हम लोग जयपुर की तरफ जा रहे हैं। ये शहर रात को बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, मतलब लाइट वाइट बहुत ज्यादा से सजा के रखे हैं ये सिटी को,
मज़ा आ गया सर आपको देख के, दिन में उतना समझ नहीं आ रहा है। ये है जयपुर शहर, अभी हम लोग जयपुर शहर के अंदर एंट्री कर दिए हैं। तो आपको यहाँ का सिटी का थोड़ा व्यू दिखाता हूँ, कैसा सिटी है यहाँ। तो ये शहर भी हमारे लगभग जगदलपुर शहर जैसा है, जयपुर सिटी भी वैसे ही शहर है। अच्छा है, हर चीज़ देखा, शोरूम वोरूम भी अच्छा है, बड़ा बड़ा शोरूम है। ये है जयपुर का बस स्टैंड, वहाँ हमारे इंडिया का फ्लैग बड़ा सा लहराते हुए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है लव जयपुर। तो अभी अपने रिक्शा को फ्यूल फुल करते हैं, फिर निकलते हैं नॉन स्टॉप जगदलपुर। तो गाइस, ये जो हाईवे है इसको अभी अभी बनाया गया है अच्छे से, नहीं तो पहले थोड़ा खराब रोड था। बट इतना अच्छा रोड है ना, ये जगदलपुर तक पूरा गाड़ी एकदम मक्खन जैसा चलता है यहाँ पे, 80, 90, 100 की स्पीड पे, बहुत ही अच्छा रोड है। मतलब यहाँ से जगदलपुर पहुँचने में पता ही नहीं चलेगा इस टाइप से। बाकी जयपुर से आगे देवमाली तक जाओगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ रोड खराब है, बट ये रोड बहुत ही अच्छा है। तो गाइज, अभी हम लोग कोटपाड़ पहुंच चुके हैं। यह है कोटपाड़ सिटी। यहां से ज्यादा दूर नहीं है अपना जगदलपुर। फाइनली अभी हम लोग जगदलपुर पहुंच गए, जगदलपुर सिटी। तो अभी चलते हैं पहले दंतेश्वरी मंदिर साइड, वहाँ पे जूस वूस पीते हैं, देखते हैं मैंगो शेक वाला जो वहाँ पे अच्छा बनाता है बहुत ज़्यादा ही, तो उसके पास चलते हैं, जूस वूस पीते हैं, फिर थोड़ा सा घूमते हैं जगदलपुर, फिर निकलते हैं। ये रोड में हमेशा ट्रैफिक लग रहता है, जब आओ ट्रैफिक। ये वाले लाइन में कपड़ा वपड़ा हर चीज़ मिलता है, कपड़ा जूता जो भी सामान चाहिए हर चीज़ मिल जाता है ये लाइन में, और बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक रहता है ये लाइन में हमेशा, सुबह हो या शाम को। तो पहले अभी चलते हैं हम लोग दंतेश्वरी मंदिर साइड, वहाँ जूस वूस देखते हैं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिलेगा तो पीते हैं, फिर इसके बाद का देखते हैं कहाँ जाएंगे, जगदलपुर में। सारा परिवार। तो अभी राखी वाखी आ रहा है, तो ये पूरा राखी का दुकान वहाँ लगा हुआ है देख सकते हो, भयंकर भीड़ भीड़ है अभी से। ये चश्मे का दुकान, चप्पल उप्पल का दुकान उकान पूरा है। तो यहाँ से अभी अपन को राइट लेना है, राइट लेते हैं। ये बजरंग बली जी का बहुत ही बड़ा मूर्ति बनाया हुआ है। ये आ गया मंदिर लाइन, और वो जो सामने देख रहे हैं वो है माँ दंतेश्वरी टेम्पल। तो यहीं पे कहीं लगाते हैं भैया जूस, देखते हैं लगाए कि नहीं लगाए, शायद नहीं लगाए। तो एक और भैया हैं आगे जूस वाले, उनके यहाँ देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही भीड़ है, कुछ पूजा वूजा चल रहा है,
तो यहाँ पूजा जो चल रहा है, शिव जी का मूर्ति रखा गया है यहाँ पे, शायद सावन का ही पूजा चल रहा है। तो वो जूस वाले तो भैया नहीं मिले, चलो अब वहाँ चलते हैं। क्या शहीद पार्क, वहाँ पर कुछ ना कुछ मिलेगा, या फिर शेक वेक मिल सकता है, काजू बादाम शेक, उसको पीते हैं। तो गाइस अभी हम लोग जगदलपुर से भी निकल चुके हैं अपने किरंदुल के लिए, अपना घर के लिए। तो होप करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद था कि रात को आप लोगों को व्यू नहीं दिखा पाया था कोरापुट जयपुर का सिटी को, तो इसलिए अभी मैं दिन में आ रहा, वापस से आने टाइम मैं सोचा कि एक बना लेता हूँ देवमाली से रिटर्न का एक वीडियो जगदलपुर तक, क्योंकि किरंदुल तक तो आप लोग सब वीडियो में देखे ही हो, चित्रकूट वाले में भी देखे हो, हर वीडियो में देखे हो कि किरंदुल तक मैं चला जाता हूँ, बट जगदलपुर तक इसलिए बनाया कि थोड़ा शॉर्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो होप करता हूँ कि आप लोग को ये पसंद आएगा वीडियो, पसंद आएगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।